के थाना नानपारा क्षेत्र में विगत दिनों में कुछ चोरियां घटना हो रही थी। कुल मिला के लगभग 6 चोरियां हुई थी, इसमें एक जीआरपी की चोरी भी शामिल है। इसको अनावरण के लिए एक प्रभारी निरीक्षक नानपारा द्वारा एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा अच्छा काम किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें 2 व्यक्ति पूर्व से भी इनका आपराधिक इतिहास है, जो गैंगस्टर में जेल जा चुके हैं। इनके पास से 3 लैपटॉप, 3 इन्वर्टर बैटरी के साथ में और प्रिंटर और 3 LCD TV और जनरेटर और कूलर आदि बरामद हुए हैं। 52 रुपये बरामद हुआ है। इनके पास से 2 तमंचे और 2 कारतूस भी मिले हुए हैं। ये मुख्य रूप से यहाँ से सामान इकट्ठा करके नेपाल जो बॉर्डर है यहाँ लगा हुआ है, बॉर्डर में अपना ये बेचते थे, वहाँ से पैसे लेकर के यहाँ आसपास के जो कैसीनो है वहाँ पर जा करके अपने शौक पूरा करते थे। मेनली चोरी का इनका कार्य करके ये अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी किया करते थे। कैसीनो का शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे, मेनली यही है। उन्होंने बताया कि हम लोग सामान बेचकर नेपाल में वहीं कैसीनो में अपने खेलने चले जाते थे। ये तो कैसीनो में पास में हुई है कि चूंकि पहले से 2 लोग तो काफ़ी पहले से चोरी कर रहे थे और ये लोग पहले जेल भी जा चुके हैं और बाकी इनके साथ में भी इन्होंने अपने 3 लोगों का ही बताया है कि हम लोग 3 लोग जाके सामान बेच करके वहीं उनको जाना था और वहीं से पैसे इकट्ठे करते। पुलिस टीम को पूछताछ भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि इनको पुरस्कृत किया जाए। मैं विगत दिनों में नानपारा क्षेत्र में जो ग्राम न्यायालय है वहाँ भी चोरी हुई थी, उसका इन्वर्टर कूलर वहाँ से बरामद किया गया है और GRP में भी चोरी हुई थी, उसका सामान इनसे बरामद हुआ। कुल मिलाकर के 6 चोरियाँ इनसे जो मुकदमे लिखे गए थे उनका अनावरण हुआ है। 6 चोरियों का माल इनसे बरामद हुआ। चोरी की घटना को अंजाम देते क्या प्रदेश के बाहर भी घटना को अंजाम देते थे या? 2 लोग तो काफ़ी इनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई हुई है और कई जगह इन्होंने अभी तो पूछताछ इनसे हुई है, बाकी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। मुख्तारी तो नानपारा क्षेत्र जिले की ही चोरियाँ इनके पास से बरामद जो सामान बरामद हुआ, जिले के चोरियों के सामान बरामद हुआ। करीब 40 साल के आसपास के हैं, 40-45 साल के उम्र के हैं।